पैसा ही पैसा भाई इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास, मजे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, जब भी तो इंडियन क्रिकेट इतनी आगे जा रही है। बड़ी खबर इंडियन क्रिकेट से कि वीवो आईपीएल, पहले डीएलएफ आईपीएल होता था मुझे याद है, फिर वीवो होता था, अब होगा टाटा आईपीएल। टाटा 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 आईपीएल होगा। और ये खबर अभी आज ही चली है ना ख्याल में, ये खबर इसी हवाले से कि अब रिप्लेस हो रही है स्पॉन्सरशिप, वहां पे वीवो की जगह टाटा आ रहे हैं। नाइकी टाइटल स्पॉन्सरशिप तो कोई 135 करोड़ का जो है इनको और फायदा। अब इंडिया के जिस तरह से बात की तो इंडिया का एक अलग शाम है। इंडिया की वजह से कुछ समझ लें, मतलब कोई मामला गड़बड़ हुए या खराब हुए मामला वहां से हुए, एशिया से ज्यादा व्यूअर्स थे हमारे पाकिस्तान इंडिया की जब सीरीज हो। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है आईपीएल के बारे में। दोस्तों अब आईपीएल का स्पॉन्सर टाटा हो गया है, अब टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों इसी के बाद पाकिस्तानी मीडिया में भी इस पर चर्चा हो रही है। उनका कहना है कि आईपीएल में इतना पैसा आता है कि वहीं पे सारे खिलाड़ी खेलने जाते हैं, पीएसएल को कोई नहीं पूछता। दोस्तों इसी पाकिस्तानी मीडिया ने जबरदस्त रिएक्शन दिया है, तो दोस्तों आइए देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। का कहना है कि इंडिया ने चाइनीज कंपनी को आईपीएल से भी हटा दिया, तो आइए देख लेते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन। और ये खबर अभी आज ही चली है ना ख्याल में, ये खबर इसी हवाले से कि अब रिप्लेस हो रही है स्पॉन्सरशिप, वहां पे वीवो की जगह टाटा आ रहे हैं। तो अब वासे लव सनी, अबे पागल हो रहा है क्या? आटा साटा नहीं टाटा होगा, टाटा टाटा स्पॉन्सरशिप होगी तो कहते हुए लगेगा कैसे। कल्याण घोष जो है ये मुझे लग रहा है कोई नाजमाबाद से सीधा जाओ, वहाँ की आईडी है। इसकी अनाउंसमेंट कैसे होगी? दिस आईपीएल सच बता दो सच अनाउंसमेंट बड़ी मजेदार होगी। दिस आईपीएल इज ब्रॉट टू यू बाय टाटा। टाटा टाटा का मतलब गुड बाय, टाटा बाय 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 बाय, ये वाला नहीं, ये वाला बाय बाय वाला टाटा नहीं है, ये वाला टाटा है कि मतलब रात भर बाटा, उसके बाद टाटा है हैं? और सुबह देखा तो वॉलेट में था सन्नाटा। यार यहाँ भी मैंने काफी या तो मिला ही दिया खड़े खड़े रात भर। जबरदस्त मौका है बाकी प्लेयर्स के लिए और विराट कोहली के लिए अगर उनकी कप्तानी नहीं करो यार। फिर ये यहाँ पाकिस्तान से भी कुछ खबरें हैं और ये बताया जा रहा है कि भाई नेचुरल स्टेडियम कराची में जो पीएसएल के मैचेस होने उसका टिकट भी तय कर लिया इन्होंने। अच्छा तो जाएगा कौन में ये समझ, मुझे कोई ये बता दे। टिकट है अबे भाई पैसे ही नहीं है लोगों के पास, खाने पीने के वांदे हो रहे हैं या दुनिया को वेस्ट इंडीज आई थी कोई भी नहीं गया था। मैं बता दूं नहीं जाएंगे। अभी मैं एक हमारे पत्रकार दोस्त है वो उनको मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि यार वो पीएसएल जो है वो उसके टिकट की प्राइसेस रिवील होने वाली हैं। हाँ। और इस दफा जो लाखों रुपए रख दो जितने की पीएसएल नहीं है उतने के बेच दो भाई टिकट। इस दफा पीएसएल 7 का जो कर्टन रेजर है वो इंतहाई सिसकियां लेता हुआ होगा यार। आपने फिर शुरू हो गए आप, पीएसएल मतलब बाबर नहीं है उसमें, रिजवान नहीं है। पीएसएल का मतलब क्या है? पाकिस्तान सुपर लीग आप समझ रहे, साउथ अफ्रीका सुपर लीग हो गई वो। साउथ अफ्रीका नहीं आ रहा जब से आप उदास हुए में भाई। बाबर है, शाहीन है, हारिस रऊफ है, धोनी ने कमीज दी है वो दिखाएगा हारिस रऊफ। कराची जू में लोग टिकट लेके नहीं जाते तो नेशनल स्टेडियम में क्यों जाएंगे? वो दीवारें फांग फांग के जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई मुझे एक बात बताओ, अभी वेस्ट इंडीज आई थी। इंडिया का जो टाटा ग्रुप है वो तो जैगवार मोटर कंपनी का भी मालिक है, उसकी पता नहीं एक्विटी और उसकी वो कितनी वो बड़ी कंपनी है, वो तो मोटर कारें बना रहे हैं क्या कुछ नहीं बना रहे। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है आपने कुछ उसको प्रोटेक्ट कर, मतलब हमारे में सलाहियत है कि हम ये कर सकें। अगर पाकिस्तानी कंपनीज में इतनी हो कि लाहौर कराची वगैरह मैनेज करें तो कोई मेरे ख्याल उसमें कोई बहस नहीं होगी, शायद वो अच्छी सर्विसेज देंगे। पर ये तो आप हर चीज आउटसोर्स कर रहे हैं, एक्सटर्नली आउटसोर्स कर रहे हैं। तो आप 20 करोड़ का मुल्क है, आप में टैलेंट नहीं है, हम ये चीजें नहीं कर सकते, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? बहस ये हो रही है कि इंडिया टोटल स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग का जो बजट है दुनिया का वो है $250 बिलियन जो कि मोस्टली अमेरिका में कंज्यूम होता है इन AFL और इन बास्केटबॉल। बट 7% जो एशिया का बजट है उसमें से 4.95% इंडिया का बजट है। और उसमें से आप हैरान होगी एंड यू विल बी शॉक्ड कि 87% बजट जो अर्न ब्रॉडकास्टिंग अर्निंग्स है इन इंडिया जैसे मुल्क में जो इतना डीप है कमर्शियली और आउटले वो सिर्फ क्रिकेट से आता है। सो दिस इज बिजनेस and this is not only business, this is अपना forex transaction and this is brand building and this is consumer involvement and this is stakeholding। दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट भारत ही खेलता है और क्रिकेट का महाराजा भारत है। पीएसएल की कहानी ये है कि जो प्लेयर आईपीएल में नहीं सिलेक्ट होते वो पीएसएल खेल लेते हैं बेचारे।
ऑक्शनिंग में क्रिस मॉरिस 16-17 करोड़ में बिका मेरा ख्याल है। पीएसएल में पूरी टीम की सैलरी मिला के 16-17 करोड़ नहीं बनती, क्योंकि 17 करोड़ का मतलब हुआ पाकिस्तानी 35 करोड़ रुपया, और हमारे यहाँ तो महंगे से महंगा प्लेयर भी $25,000 का है। तो ये फर्क है जो कि हमारे पाकिस्तानी सूरमा मुकाबला करते हैं कि हम आईपीएल से बेहतर पीएसएल है। तो मतलब आरसीबी की मिसाल ले लें, आरसीबी के पास 4 प्लेयर हैं जो मिलियन डॉलर से ज्यादा हैं, कम से कम 4 हैं, कोहली है, एबी है। आईपीएल की एक टीम का जो टोटल बजट है ना, उसमें पूरा पीएसएल हो जाता है, बल्कि उससे भी कम में हो जाता है। तो ये फर्क है। तो दुनिया में क्रिकेट के लीग खेली जाती है ना, वो आम आदमी के एंजॉयमेंट के लिए खेली जाती है। पाकिस्तान में आम आदमी का जीना हराम हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पे कराची में जैसे नेशनल स्टेडियम में, तो नेशनल स्टेडियम तक जाने वाली जितनी सड़कें हैं दूर दूर से बंद कंटेनर लगा के, नो ट्रैफिक। कराची की आवाम का जीना हराम, खासतौर पे जो उन इलाकों में रहते हैं उनका तो जीना हराम। आईपीएल